गुड्डी देवी एक बार राशन की दुकान पर गई और वहाँ पर उन्हें साइन करने पड़े, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानती थी तो मजबूरन उन्हें अंगूठा लगाना पड़ा। और भी ऐसी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके अलग अलग किस्से हैं। उन्होंने मन में ठाना, एक जज्बा उन्होंने पैदा किया कि नहीं भाई, अब कोई भी उम्र हो, अब पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, अब हम स्कूल जाएंगे और पढ़ेंगे। एक पाठशाला है, एक पहल पाठशाला है, दयालबाग में है। उनके जो ऑनर है उनकी नज़र पड़ी और यहाँ पर जो निःशुल्क उन्हें शिक्षा दी जाती है। अब ये तकरीबन 30 से 40 की संख्या में ये महिलाएँ हैं जो अब यहाँ पर रेगुलर आती हैं, क्लास अटेंड करती हैं और पढ़ती हैं। तो इन्होंने बचपन से सुना रखा था कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, तो आज इन्होंने भी कर भी दिखाया है। गुड्डी देवी जी हमारे साथ हैं, क्या उम्र है आपकी? 55 साल। अच्छा, ये बताइए कि शुरुआत में कैसे आया मन में कि भैया आज अब हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती? ये तो आपने बचपन से सुना होगा, कई बार आपको पढ़ने ना वजह से दिक्कत भी हुई होगी, हस्ताक्षर करना नहीं जानती थी आप, क्या कहानी है? थोड़ा पढ़ना तो दस्तखत करना तो मेरे घर वालों ने सिखा दिया था, लेकिन बाकी पढ़ना नहीं जानती। एक पहल पाठशाला में आने का किस तरह से सफर था, कैसे आप यहाँ पहुँची? नहीं, पास में रहते हैं हम खेलगांव में, तो मनीष सर ने स्कूल खोला है तो उनकी वजह से हम यहाँ पढ़ने आए। ममता मैडम पढ़ाती हैं। अच्छा, मतलब अब आप पढ़ती हैं, लिखती हैं, सब आता है? अच्छा, ये बताइए कि एक उम्र के बाद लोग कहते हैं कि अब क्या करेंगे, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि अब पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो ऐसी कोई दिक्कत समस्या आई कि लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। परिवार में कौन कौन? बच्चे हैं, बेटी है, एक बेटी है, वो अपने पढ़े लिखे हैं, वो अपनी अपनी नौकरी करते हैं। बच्चे भी आपको पढ़ाते हैं घर पर? नातनी पढ़ाती। तो 55 साल में कह सकते हैं कि इनकी जो नातनी है वो भी इन्हें पढ़ाती है। आप बताइए आपका क्या नाम? मेरा नाम कुसुमलता है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुखी रहती थी, तो मैं यहाँ पर आई थी। पहली बार सुना था कि कंप्यूटर सिखाया जाता है, तो सर मेरे पास पैसे नहीं थे सीखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब, क्योंकि सर मैंने सर कहा था आप यहीं पर सीखो, तो हमें फ्री में मिला था सरकार की तरफ से। तो हमने टाइपिंग करना सीखा था, तो हमें पता चली कि सिलाई भी होती है, तो हमने सिलाई भी सीखी, बैग भी सीखा था, हैंडवेल हाथ वाला भी सीखा है। अब पहले पैर दाना सीखती थी, अब लाइट की भी चलाना सीख गई हूँ। मेरे परिवार में सास हैं, ससुर हैं, और मेरे दो बच्चे हैं, एक मनीषा है, एक टप्पू है, और जितेंद्र कुमार मेरा हस्बैंड है। पढ़ने की कोई मनाही नहीं करता है? नहीं नहीं, कोई नहीं कहता है, जो कहता है आपकी इच्छा करो। मैं तो कहती हूँ मैं कुछ करके दिखाऊँ अपने बच्चों के लिए, और कुछ जैसे कि मैं थोड़ा बहुत नहीं आता, मैं इंग्लिश में थोड़ी वीक हूँ, तो कहते हैं कुछ कर नहीं सकती है, तो मैं थोड़ा मेरे यहाँ पे मैं आ गया नहीं है, थोड़ा मेरे को आने लगा है, मैं देख के नहीं, मैं पढ़ती हूँ तो इन्हों को भी लगे कि ये थोड़ी बहुत पढ़ी है तो हम भी पढ़ें, क्योंकि मेरे देखे ये भी पढ़ने लगे, मैं थोड़ा बहुत आती हूँ, क्योंकि ये कहती हैं कि शर्म लगती है। मेरी शर्म कोई बात नहीं होती, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं साफ तौर पर इनके चेहरे का जो कॉन्फिडेंस है वो बता रहा है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और यही जो इनका कॉन्फिडेंस है वो एक पहल पाठशाला तक इनको लेकर आया है। बचपन में मतलब जल्दी शादी होने के बाद आप पढ़ नहीं पाई थी, आप क्या वो जर्नी रही, कैसे आपने शुरुआत कैसे पढ़ने की यहाँ तक किया? शुरू से ही पढ़ने में शुरू से मन करते थे, लेकिन शुरू से नहीं पढ़ पाए, लेकिन यहाँ के बारे में पता चला, ममता मैम गई थी कि अगर तो लेडीज जो नहीं पढ़ी हैं उन्हें हम पढ़ा रहे हैं, मनीष सर ने एक पहल पाठशाला में खोला है लेडीजों के लिए, तो हम यहाँ आने लगे। अच्छा, आपके घर परिवार में पति हैं, बच्चे भी होंगे, कोई दिक्कत आती, कोई समस्या आती? कोई कहते होंगे कि भैया मैं भैंस भी है, काम बहुत सारा था, लेकिन उसको निपटा कर टाइम से करके और पढ़ने हम सर आते हैं टाइम से। अब पढ़ना आपको आ गया? हाँ, मुझे पढ़ना आ गया। कैसा लग रहा है पढ़ने? बहुत अच्छा लग रहा है सर, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है हम बचपन में जैसे बच्चे पढ़ते हैं ऐसा ही लग रहा है। कह सकते हैं कि बचपन में जिस तरह से बच्चे पढ़ते थे ठीक ऐसी ही फीलिंग आ रही है, और बहुत सारे इन पर काम भी होते हैं घर गृहस्थी के, उसको निपटा कर उनको पूरा करने के बाद में एक पहल पाठशाला में आते हैं। शिवांगी मैम हमारे साथ हैं जो एक पहल पाठशाला के सदस्य हैं, और इन्हीं के प्रयासों से ये संभव है, और यहाँ पर फ्री एजुकेशन तो दी जाती है इन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए। यहाँ पर सिलाई सिखाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है। मैम, क्या आइडिया आया कि इस उम्र में महिलाओं को पढ़ाया जाए, वो कहाँ से आया है? सर, स्टार्टिंग में जब हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था 2009 में, तब हमें पहले बच्चों को लेकर आना पड़ता था कि पहले हमें बच्चों को कलेक्ट करना है, और यहाँ के आसपास के लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ थी कि कहीं ये सिर्फ ऐसे खोलने के लिए स्कूल तो नहीं खुला, तो उसके लिए हमने बहुत एफर्ट्स किए, सबको विश्वास दिलाया। फिर
फिर हमारे पास ये बच्चों के पेरेंट्स आते थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सिर्फ 20%, जिसमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं वो बच्चे के पेरेंट्स असली नहीं आते, उन्हें लगता हम साइन नहीं कर पाएंगे चीज़ें। तो हमारे दिमाग में एक इनिशिएटिव आया कि नहीं, अब हमें बच्चों के साथ साथ उनकी मम्मियों को उनके आसपास, ऐसा नहीं है स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स पढ़े, यहाँ के आसपास के जितने एरिए में हम सबको पढ़ाना चाहते हैं। मेरा बस हमेशा हमारी पूरी टीम का एक ही मन रहता है कि बच्चों का जैसे पढ़ाई होती है एक कितनी साल लगते हैं जब पूरा सीखने में वो नहीं आ पाता, लेकिन हम उन्हें ऐसी ज़रूरत की चीज़ें सिखाएं जिससे वो कभी भी किसी भी धोखाधड़ी कभी भी कुछ उनको नुकसान ना हो। इसलिए हम लोगों ने उनको जैसे कई दुकानदार होते हैं एक्सपायरी डेट की चीज़ें भी दे देते हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले ये सिखाया है कि दुकानदार से लड़ो ये एक्सपायर है। कई लोग रेट कम उस पर लिखी होती है उससे ज़्यादा रेट पर देते हैं, वो भी सबको सिखाया। मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको ज़रूरत है और आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत है हम उसकी एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन के साथ उनको अर्निंग का भी कॉन्फिडेंस देते हैं। और आप शायद देखेंगे कि सारी लेडीज़ों में जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है वो सिर्फ एजुकेशन और उनको एक्सपोजर मिलने से। बिल्कुल, तो कह सकते हैं इनके चेहरों का जो आत्मविश्वास वो साफ तौर से बता रहा है कि इनके पास अब अपना खुद का शिक्षा का अधिकार है और जो पढ़ लिख कर तमाम वो जो सपने हैं जो उस उम्र में पूरा नहीं कर पाई थी वो अब पूरा कर रही हैं। लोग क्या कहेंगे इस बात को दरकिनार करते हुए एक पहल पाठशाला में आई हैं और चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो शिक्षा पर सबका अधिकार है और ये इन्होंने कर दिखाया है। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।